हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज चल रही हैं, और उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। ठीक है, अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कीजिए, जिस पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोचिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी, करंट सिचुएशन, मेरे व्यूवर्स को लेकर और इस रिश्ते को लेकर अभी इस वक्त क्या एनर्जी है। वी हैव द वर्ल्ड, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ वांड्स एंड टेन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ सोल्स, बॉटम ऑफ द डेक है टावर। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त, करंट फीलिंग्स क्या हैं? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स और करंट सिचुएशन दोनों ले लिए हैं मैंने। करंट सिचुएशन की बात करें तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन के मन में ये चल रहा है, इनकी एनर्जी जो है वो ये है कि इनके मन में बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है, ये ऐसा इमेजिन करती हैं या करते हैं कि आप ही इनकी हस्बैंड या वाइफ हो और आपके साथ इनकी लाइफ चल रही है, आप ही इनके लिए सब कुछ हो। कई बार ये बहुत पॉजिटिवली लेते हैं आपको, इस रिश्ते को फ्यूचर भी इमेजिन करते हैं, इंतज़ार भी करते हैं कि हाँ इस रिश्ते में आगे ऐसा ऐसा होगा, कंप्लीट होंगे हम। लेकिन सडनली इनका मूड स्विंग भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बिल्कुल से ऑपोजिट बिहेव करने लगें, बिल्कुल से कंट्रास्ट बिहेव करने लगें, आपके साथ ऐसा बिहेव करने लगें जैसे कि इनको आपकी नीड ही नहीं है। हो सकता है ये आपको डायरेक्टली ये चीज़ें बोल भी देते हों कि हाँ ठीक है मुझे ज़रूरत नहीं है, या बाद में बात करेंगे, या बिज़ी है बहुत ज़्यादा, आपको बिल्कुल मुँह पर इग्नोर करना, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा तकलीफ़ दे देती हैं। बट इनकी करंट सिचुएशन में ये इल्यूजन्स में ही हैं। कभी कभी इनकी वाणी बहुत कठोर हो जाती है जबकि ये ऐसा बोलना नहीं चाहती या बोलना नहीं चाहती। कई बार इनके रिएक्शंस बहुत क्रूअल आपको लगते होंगे कि आपने कुछ पूछा इन्होंने ब्लॉक कर दिया या इन्होंने सीधा आपको डांट दिया। तो इनको बाद में ये चीज़ें इमेजिन करते हैं कि ऐसा इनके में क्या है। कई बार इनको अपने ऊपर ही गुस्सा भी आता है और इन्हें कई बार ऐसा शक भी होता है कि आखिर आपने इनमें देखा क्या, ऐसा इनके अंदर ऐसा क्या है जो आप इनकी डांट को भी सह लेते हो, इनके गुस्से को भी आप बेयर कर लेते हो, सब कुछ आप सह लेते हो। तो इनकी करंट सिचुएशन में बहुत डीपली जाकर वो ये सब सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि देखिए फुल मून है, कल फुल मून है और आज भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। तो फुल मून की एनर्जी में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बहुत डीपली जाकर सोचता है, डीप रिसर्च की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी में है आपके पर्सन, पूरी जैसे पूरी जो आपकी अभी तक की जर्नी है वो सब इनके सामने है। बात करें करंट फीलिंग्स की, तो करंट फीलिंग्स में यहाँ पर है कि आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं, अगर अभी तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों की, तो ये बहुत दुखी हैं। आपसे दूर होकर ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ये लौट कर वापस आ जाना चाहते हैं। कुछ इनकी सर्टेन प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं जो ये आपसे हो सकता है बताएं, स्पेशली रिलेटेड विद करियर स्टेबिलिटी।
यहाँ पर एस ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं, इनकी ऐसी विश है। मैसेज की एनर्जी है, आपको एक क्रो नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ क्रो हमारे यहाँ पे आप एक कहावत सुनते होंगे कि अगर आपके घर पे आकर कौवा चिल्लाने लगे तो कहा जाता है कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। तो एक्चुअली में कौवा मैसेंजर होता है और कौवा आपको मैसेज देता है कि डेफिनेटली कुछ होने वाला है, कुछ न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। तो ये इंडिकेशन है, इसलिए ज़्यादातर आप देखोगे कार्ड्स पर क्रो की एनर्जी ज़रूर होती है। और यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे, लेकिन क्योंकि ये दूर हैं ये बहुत दुखी हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव है थोड़ा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी वी हैव इज़ डेविल विद फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए शादी को लेकर, इमेजिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब फुल मून का अगर मैं इफ़ेक्ट कहूँ तो पहली जो चल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वॉन्ड्स की एनर्जी है। वॉन्ड्स एंड कप्स अगर आ जाएँ तो यहाँ पर आप समझ लें कि कुछ ना कुछ बेहतरीन ही होगा। और यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसमें डेविल साथ में है, मतलब पॉजिटिवनेस है, ऑब्सेशन है, और किसी भी ट्रू लव में ऑब्सेशन होता ही है, ठीक है, और दोनों तरफ से होता है, वन साइडेड नहीं होता। इतना याद रखिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम ट्रू लव की डेफिनेशन क्या है, मैं आपको इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें बताने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर कुछ लोग बोलने भी लगते हैं कि मैम रीडिंग के बीच में मत ये सब बताया कीजिए, इसलिए मैं ज़्यादातर जो गाइडेंस होती है वो लास्ट में देती हूँ। सो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ट्रू लव की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। रुक जा भाई, इमीजिएट एक्शन, अरे इमीजिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा एंजल्स, 4 1 4 1 4 4 की एनर्जी आ गई। देन वी हैव एम्परर विद सक्सेस, ओके, ओवरऑल एनर्जी वी हैव रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, रेस्ट एंड रिजुविनेट, चूज वाइजली एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो गाइज यहाँ पर आपके लिए आने वाले 4 आवर्स, 22 आवर्स और 40 आवर्स, ओवरऑल 40 आवर्स की एनर्जी है। और इन 40 आवर्स में ज़्यादातर व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी तरफ आपके पर्सन डेफिनेटली या तो ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आ चुके हैं तो कमेंट में बताइएगा, या तो आने वाले हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनकी विश है कि ये मल्टीपल चॉइसेस या कंफ्यूजन या जो भी सिचुएशंस हैं उनमें ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, और इन्होंने अपने आप को हील बहुत ज़्यादा किया है और अब ये सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि एक पर्सन है जो बिगुल बजा रहा है कि पूरी दुनिया सुन ले कि आई एम इन लव विद हिम और हर, आपका जो भी नाम है, तो ये सबको बता देना चाहते हैं। ये मतलब इस तरह की एनर्जी में है कि आपके लिए जो इनका प्यार है वो ये एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अब ये शांति से रहें या किसी से शेयर ना करें, ठीक है, या ये छुपा कर रखें, इस एनर्जी में अब ये नहीं है। ये चाहते हैं कि सबको बता दें, अपने घर में बता दें, अपने रिलेटिव्स में बता दें, अपने दोस्तों में बता दें, ये जग जाहिर कर दें, अपने मीडिया पे ही डाल दें, सोशल मीडिया पे ही डाल दें कि ये आपसे प्यार करते हैं, ताकि सबको पता चल जाए और जो भी निपटारा करना है वो हो जाए। कुछ कोई पूछता है तो उसको मुँह पर जवाब देने का भी दम रखेंगे, इस तरह की वाइब्रेशन है आने वाले टाइम में। काफ़ी लोगों के साथ ये मैक्सिमम 4 दिन के अंदर हो सकता है, मिनिमम 40 घंटे के अंदर। और आज ही मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट पिन किए हैं, आई थिंक टैरो और एस्ट्रो दोनों पे पिन किए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ पूरी एनर्जी रेजोनेट हुई और उनके पर्सन वापस भी आए, डिसीजन भी लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली में भी बताया, इस तरह की चीज़ें। देखिए अब ये किसी के नाम से तो है नहीं, ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो जब मैं बोलती हूँ वार्निंग है तो उस टाइम आप देखोगे बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि झगड़े हुए हैं, उसी दिन हुए हैं, पूरे महीने भर से नहीं हुए थे बट उसी दिन हुए हैं। और जब मैं कहती हूँ कि एनर्जी बहुत पॉजिटिव है तो हज़ारों लोगों के यूनियन होते हैं,
तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये सिर्फ एनर्जीज़ हैं, इसको आप ये मत सोचा करिए कि मेरे से रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। दिस इज़ नॉट फॉर पर्सनल यूज़ कि आप अपने ऊपर पूरी तरह से इसको अपने लिए पर्सनली ले लो, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। जस्ट ये एक आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इसकी एनर्जी से ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल एनर्जीज क्या चल रही हैं। अगर आपको पर्टिकुलर अपने पर्सन के बारे में जानना है, ऑप्ट फॉर पर्सनल रीडिंग, ठीक है। बट अगर आप यूट्यूब पे कोई भी रीडिंग देखते हो तो वो कलेक्टिव एनर्जी बेस्ड होती है, ठीक है। तो कलेक्टिव एनर्जी बेस से आपको एक पूरी गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी वही रहेगी जो यहाँ पर निकल कर आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एंजल्स, अरे एंजल्स ने सीधा मैसेज दे दिया, एंजल्स उनको आगे बोलने ही नहीं दिया। चलिए जो मैसेज आए हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। कई लोगों के लिए हैवी हार्ट की एनर्जी है, फॉलो द साइंस, डिवाइन इंटरवेंशन, डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। हैवी हार्ट, काफ़ी लोगों की एनर्जी हैवी हो सकती है, आपको बल्कीनेस फील हो सकती है, वाटर रिटेंशन फील हो सकता है। सडनली फुल मून में आप नोटिस करोगे ना, आपकी बॉडी में सूजन आ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कल तक तो आप पतले दुबले थे, आज अचानक से आप मोटे हो गए। या आप, मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं नॉर्मल डेज में रहती हूँ तो मुझे बड़ा लाइट फील होता है, बट जैसे ही फुल मून की एनर्जी आती है ना, मेरी बॉडी में ये अगर मेरी रिंग है ना तो ये ऐसे ऐसे भी नहीं होती है, कई बार ये बिल्कुल टाइट हो जाती है, और जैसे ही फुल मून बीतता है और फिर बिल्कुल से नॉर्मल हो जाती है। तो ये मेरे साथ हमेशा मैंने नोटिस किया है, आई डोंट नो व्हाई, ये ज़्यादातर फुल मून के आसपास ये जैसे कोई एनर्जी हमें मिल रही है डिवाइन की तरफ से, इस तरह का एनर्जी मैं फील कर पाती हूँ। तो मे बी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो, अगर होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि ये जनरल जो एनर्जी है ये मून की एनर्जी होती है, और टॉरस में वैसे भी चंद्रमा उच्च के होते हैं और मेरा टॉरस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जी है वो ज़्यादा ही सक कर लेती हूँ मैं। तो मेरे साथ तो अक्सर फुल मून में ये चीज़ें होती हैं, और मेरा जन्म भी अमावस्या के एक दिन पहले ही हुआ है, शिवरात्रि पे, मासिक शिवरात्रि पे, तो इसका भी असर होता है। तो थोड़ा सा सूजन मेरे शरीर में तुरंत से आ जाती है, जैसे ही फुल मून आएगा मेरी शरीर मुझे बताने लगती है कि हाँ बॉडी में कुछ ना कुछ हैवीनेस है, बल्किनेस है, और जैसे ही दूसरा दिन तीसरा दिन होता है बिल्कुल से लाइट हो जाती है एनर्जीज़। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर है, और काफ़ी लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हो सकता है सडनली आपके साथ ऐसा हो कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको घुटन जैसा फील हो रहा है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं, अभी नेक्स्ट एक्शन में मैंने बताया था, यहाँ पर भी है ड्रीम्स कम ट्रू। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं फुल मून पे, तो वो चीज़ें आने वाले समय में आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फॉलो द साइंस, जो भी साइंस आपको सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो रही हैं उसको फॉलो कीजिए। घर को थोड़ा टाइम दीजिए, लाइट हार्ट रहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि फुल मून के टाइम आप जो भी टेंशन लेंगे वो 15 गुना बढ़ के आपको मिलेगी आने वाले टाइम में। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली चीज़ें मत सोचिए, घर में झगड़ा मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव विचार को दूर रखिए। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, जब भी अमावस्या हो या पूर्णिमा हो मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बेहतर मेडिटेशन है, क्योंकि चंद्रदेव जो हैं वो शिव के भक्त हैं और शिव की पूजा सबसे बेस्ट है। आज ही मैं मार्कंडेय महादेव दर्शन करके आई हूँ और बहुत अच्छा फील होता है गाइस। सोमवार को आप दर्शन कर लो, पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं इतनी नेगेटिविटी लेती हूँ दिन भर ना, जितनी भी मैं रीडिंग्स करती हूँ उनकी एनर्जीज, ऐसा लगता है कि अपने को हफ्ते के एंड में एक बार महादेव के चरणों में जाके गिर जाना है कि हाँ प्रभु देख लो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप जब मंदिर जाते हो तो आप अपने ऑरा को क्लिंस कर लेते हो। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ऑरा क्लिंजिंग कैसे होती है। देखिए, या तो आप मंदिर चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी पॉजिटिविटी होती है, जो भी मंदिर प्राण प्रतिष्ठित आप जहाँ भी आप जाएंगे,
तो वहाँ पर वहाँ की ऑरा इतनी पॉजिटिव होती है ना कि वो आप वहाँ जाएंगे और जैसे ही आप घंट बजाएंगे अंदर एंट्री करते ही आपकी एनर्जी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी और वहाँ से निकलने के बाद आपको खुद ही लाइट लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल हल्के होके निकल रहे हैं। दूसरा, आप ऑरा क्लींस कर सकते हैं गंगा जल से। अपने पास हमेशा गंगा जल रखें और गंगा जल आप नहाने के पानी में 2 बूंद डाल लीजिए, नहा लीजिए, आपका ऑरा क्लींस रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं आपको टच कर ले। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत बुखार हो जाता है, नज़र लग जाती है, बहुत आप नेगेटिविटी से अगर जूझ रहे हैं, तो अपने घर में सेंधा नमक डाल के पोछा लगवाइए और अपने नहाने के पानी में भी थोड़ा सा सेंधा नमक। ये सारी चीज़ें मैं अक्सर बताती हूँ लेकिन फिर भी बहुत सारे नए सब्सक्राइबर होते हैं जो पूछते हैं, तो एंजल गाइडेंस में मैं रोज़ कुछ ना कुछ आपको गाइड कर देती हूँ जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है मेरे पास और एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें मैं बताती जाती हूँ ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को मदद मिल जाएगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको इन रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलती होगी। रीडिंग पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।